अपने आप पर सर्वाइव करते नजर आएंगे। जी बिल्कुल, बट अलादीन वो भी खत्म हो गए और डाउन किए गए, बट जॉनाथन की बात करी जाए, एक और ग्रेनेड आता हुआ एगी के द्वारा और मुझे लगता है लास्ट प्लेयर सर्वाइव करेंगे अपनी टीम से और देखते हैं कि 1v4 चलिए 1v3 का जो सिचुएशन है वो किस तरीके से निकालने वाले हैं। आप देखें किस तरीके से जो प्लेयर्स है वो आपको भगते हुए दिखाई देंगे। रेक्स को तो यहाँ पे फिनिशेज चाहिए ही चाहिए, वो तीनों फिनिशेज यहाँ पे अपनी टीम को दिलाते हुए मोस्ट प्रोबेबली इसके साथ गॉर्डल के आखिरी जो प्लेयर बचे हुए क्लच गॉर्ड नाम पे खरे उतर पाएंगे या नहीं वो देखना पड़ेगा। 1v3 का सिचुएशन आप देखें, दोनों टीमें सर्कल के बाहर खेल रहे हैं। मैंटी की बात करें, इस ब्लैक स्ट्राइकर पिछला सैनहॉक मैच बहुत ही बढ़िया तरीके से अपनी टीम के लिए उन्होंने दूसरा पायदान अर्जित करा, बट फिलहाल के लिए टैक्टिकल बहुत ज्यादा मुश्किल उनके लिए होने वाले हैं। बहुत ज्यादा ओपन में निकल रहे थे, मैंटी ने कोशिश करी, कामयाबी हासिल नहीं होगी, बट टैक्टिकल क्लच वापस से डाउन होते हुए फिलहाल के लिए रिवाइवल शायद पॉसिबल हो जाए, बट अब हैदराबाद हाइड्रास को मूव करना पड़ेगा, वो प्लेस उनको चाहिए ही चाहिए। एनिग्मा रेक्स की बात करिए, वहां पे टॉप डॉक को उन्होंने डाउन किया, टॉप डॉक खत्म हो चुके हैं, बट अब आगे बढ़ना पड़ा। और ऑर्गलेस 5 के दो प्लेयर को देखो, इवोक एंड काइलो को देखें किस तरीके से वो सर्वाइव करके अभी तक वहां पे बैठे हुए, बट क्लच की बात करी जाए वो यहां पे डाउन हो जाएगा। वाइल्ड एंड केट दो प्लेयर यहां पे बचे, क्लच को अब रिवाइव नहीं किया जा सकता। ऑर्गलेस 5 के इवोक आते हुए डाउन किया, पूरी तरीके से वो फिनिश हो चुके, बट आप स्काईलाइट गेमिंग को देखें, एंकी बार बार सेम कहानी और वो हमें रिपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहां पे वाइल्ड भी डाउन हो गए, केड लास्ट प्लेयर सर्वाइविंग फ्रॉम टीम टैक्टिकली। मीनवाइल टीम सोल वर्सेस टीम एनिग्मा, ये फाइट जो है वो भी हमें इनिशिएट होती हुई नजर आ रही है। टैक्टिकल के किड जो है वो भी डाउन हो जाएंगे और ग्लेस 5 के ईवो को दो खिलाड़ी बस है लेकिन वो चारों पे भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। टीम सोल की बात करें, फाइट को अवॉइड करके सीधे जोन के अंदर जो एंट्री है वो लेने के ऊपर अभी जो प्रायोरिटी है वो उनकी जरूर से रहने वाली है। स्काईलाइट गेमिंग दो खिलाड़ी उनके डाउन है, सोमराज पोजीशन उनकी रिमेडियल टीम एनिग्मा के, रेक्स काफी ज्यादा ओपन एरिया से जा रहे हैं, मैन एडवांटेज जरूर से रहने वाला है लेकिन जोन उनके फेवर में नहीं। टीम हैदराबाद हाइड्रास की तारीफ करनी पड़ेगी, जिस तरीके से उन्होंने अभी के लिए सर्कल के अंदर एंट्री ली है, एक अच्छा रेज उनके सामने जरूर से मौजूद रहने वाला है, लेकिन टीम सोल को आप देखिए, इकलौती टीम जो पूरी तरीके से हमें जोन के अंदर देखने को मिल रही है, वो टीम सोल फिनिशेस की बात करें, चार फिनिशेस हम उनके पास देखने को जरूर मिल रहे हैं। और अब टीम हैदराबाद हाइड्रास वर्सेस टीम सोल, बिल्कुल आप देखें मैंटी यहां पे मौजूद जरूर, बट दो प्लेयर हैदराबाद हाइड्रास के यहां पे डाउन हो चुके हैं। कैरी की बात करें, उनको रिवाइव करने की कोशिश की जाएगी, कामयाबी मिल जरूर जाएगी, बट फिलहाल के लिए बात करें मैंटी की, वो इसी के साथ एलिमिनेट हो जाएंगे। सोल रॉक्स आगे जाएंगे, एक प्लेयर को उन्होंने फिनिश किया, मैंटी रॉक्स क्या तो वो भी खत्म किया। पुकार की बात करें, प्लेयर्स उनके बाहर वो डाउन हो गए, 6 टोटल फिनिशेस आपको सोल के पास देखने को मिलेंगे। सर्कल पूरी तरीके से उनके पास है, चारों प्लेयर इस बार पूरी तरीके से सर्वाइव करते हुए, क्या ये चिकन डिनर सोल के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो निकाल पाएंगे यानी वो हमें देखना पड़ेगा। बट इस ब्लैक वो बीवी रुके तो डाउन होता है, इनको और की बात करें उनको भी यहां पे कैरी किया तो डाउन किया गया, क्या रे लास्ट प्लेयर सर्वाइव कर रहे हैं तो हाइड्रास से, बट उन्होंने अपना काम कर दिया, टॉप 5 में अपनी टीम को उन्होंने पहुंचाया, बट रॉक्स उन्होंने यहाँ पे कैरी को स्पॉट किया। बट वीरू की अगर बात कही जाए, तीन फिनिशर्स उन्होंने निकाले, इस ब्लैक को खत्म किया, इनकोर वो भी खत्म हो जाएंगे, ऑस्टिन बॉटेक्स वो भी खत्म हुए, टॉप 4 टीम मात्र 8 प्लेयर, एंड सोमराज की बात करें वो भी यहाँ पे डाउन हो गए। बट वीरू क्या बेहतरीन गेम प्ले अपनी टीम से दिखाते हुए, 4v2 का सिचुएशन एंड सोल फाइनली विनर चिकन डिनर के बहुत ज्यादा करीब। टीम सोल का रॉकेट अभी के लिए आसमान की ऊंचाइयों को छूता हुआ जरूर से नजर आ सकते हैं, क्योंकि रेक्स जो है वो यहां पर मौजूद है, आगे की तरफ जाएंगे, रेक्स डाउन है कि बीइंग द लास्ट मैन स्टैंडिंग, युवक उन्होंने स्पॉट जरूर डाउन हो जाएंगे।